बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के मज़न नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इमरान अब्बासी। आज की वीडियो शुरू करने से कबल मैं अपने नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक करें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले कई रोज़ से लापता ताजर नदीम हुसैन की बोरीबंद लाश बरामद। ताजर को बेदर्दी के साथ कत्ल करके नामालूम अफराद ने बलोट चौक जमान प्लाजा की वीरानों में फेंक दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कातलों की तलाश शुरू कर दी। दरियाल में खौफ का समा, कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक नदीम हुसैन वल्तवासिन साकन आल डडियाल पिछले कई रोज़ से लापता था, जिसकी इतला थाना पुलिस डडियाल में की गई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके मकतूल के मोबाइल फ़ोन की डिटेल भी ले ली थी, जबकि सिलसिला में कई अफराद को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश भी की गई। आज सुबह के वक्त शहरी की इतला पर एस एच ओ थाना डडियाल इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद चौधरी ने हमरा नफरी पहुँच कर बंद बोरी खोली तो उससे गुमशुदा शख्स की लाश बरामद हुई। नौजवान के कत्ल की इतला जंगल की आग की तरह फैली, जिससे डडियाल में खौफ का समा पैदा हो गया। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी और नामालूम कातिलों की तलाश भी शुरू कर दी है।